मगर वो उसे कभी भी तलाक नहीं देगा। और मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो जायरा को जानवरों की तरह ट्रीट करे। हर इंसान को हक होता है कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए। तो जायरा के पास क्यों? क्या हुआ? नहीं मानी? हाँ, कौन नहीं माने? अच्छा तो ये भी मैं बताऊं? क्या बकवास कर रही हो? बकवास? तो तुम्हें मेरी बातें बकवास लगना शुरू हो गई। कब से चल रहा है ये सिलसिला तुम दोनों के बीच में? हुआ क्या है? बाना मत! जायरा से ही मिलकर आ रहा हूँ। आज मैंने तुम्हें देखा तो उसके ऑफिस से निकलते हुए। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? तुम मेरा पीछा कर रही हो? बात है, घर में बीवी होते हुए तुम उस घटिया औरत से मिल रहे हो तो वो गलत नहीं है, मगर मैं तुम पे जासूसी कर रही हूं तो तुम्हें उस पे एतराज हो रहा है। क्यों? बकवास बंद करो अभी, इसी वक्त यहां से निकलो। निकलो जाया से। मेरी बात सुन, तुम मुझे नहीं छोड़ के जा सकते। तुम जायरा को वापस लाने वाले हो ना? क्या कमी है मुझमें? हाँ, क्या कमी है? मैं मान ही मत। जारा बहुत पसंद आ गई है, उसको घर लेकर आने वाले हो ना तुम? ये सब तुम्हारे बाप ने तुम्हारे दिल में भरा है ना? बताओ बताओ, तुम्हारा बाप तुम्हारे कान भरता है और तुम ये कर, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। कहाँ जा रहे हो? छोड़ नहीं सकते तुम? तुम जितना भी भागना चाहो ना, तुम मुझे छोड़कर नहीं भाग सकते। समझ आई? मैं तुमसे पागल हो गई हूँ। हट जाओ। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। मैं तुम पानी बन सकती। जायरा 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 नहीं आएगी। जायरा जायरा नहीं आएगी। मम्मी से निकाल दिया मुझे, इल्जाम लगाए मुझ पे, हाथ तक उठाया मुझ पे। ये सब करने के बावजूद वो दूसरी शादी करने वाला है। इनवाइट किया है मुझे अपनी शादी पे उसने। अरे मैं समझता क्या है खुद को? उसके दिल में जो आएगा वो करेगा, मैं चुप करके बैठ के देखती रहूंगी? मैं भी आज जाके देखना चाहती हूँ उसकी शादी। कैसे मैंने अम्मी से लड़के उससे शादी की थी, कितनी बेवकूफ थी मैं। अपनी पहली बीवी को इनवाइट किया है ना शादी में, देखती हूँ
वो तो कोई चांस नहीं छोड़ा। वो चाह रहा कि मैं जिंदा ही ना रहूं, मैं मर जाऊं। मार गई है तेरी बेपरवाही, हो गया माही, क्यों हर जाई, तुम जो बदले वक्त भी बदला, बढ़ने लगी है मेरी तन्हाई, ऐ दिल बेखबर प्यार करना नहीं, खाली तस्वीर में रंग भरना नहीं। क्या बात है, बड़ी जल्दी नहीं भाग रहे तुम सब? तो फ्लाइट में काफी टाइम बचा है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जरा सी भी गलत बची नहीं तुम्हारे अंदर। उमेर बस करें आप, आज जिस मुकाम पे पहुंची है ना, उसमें सबसे बड़ा किरदार आपका है। उमेर हमारा यहाँ पर तमाशा मत बनाओ। क्यों? अच्छा, ताकि आसपास किसी को पता ना चले कि तुमने कैसे अपने शौहर को धोखा दिया, वो भी मेरे दोस्त के साथ मिलके, मेरी परमिशन के बगैर, मेरी एब्सेंस में मिलती रही इससे। अस्सलामु आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एक्चुअली आंटी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मुझसे? जी। अच्छा आओ, अंदर आ जाओ।